अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मर्दूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मैं अपने चैनल के देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको रिश्तेदारों के साथ मेल जोल के हवाले से कुछ अहम मालूमात दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबा लें ताकि ऐसी बहुत सी मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। आते हैं वीडियो की तरफ। बहुत सी मोतबर हदीसों में वारिद हुआ है कि रहम क़ियामत के दिन अरशे इलाही को पकड़ कर ये अर्ज करेगा, ऐ परवरदिगार, जिसने दुनिया में सिला रहमी की आज उस पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, और जिसने दुनिया में कता रहम किया तू भी आज उसको अपनी रहमत से दूर कर ले। बहुत सी मोतबर हदीसों में मनकूल है कि अजीज़ों के साथ नेकी करने से आमाल कबूल होते हैं, माल ज़्यादा होता है, बलाएं दफ़ा होती हैं, उम्र बढ़ती है और क़ियामत के दिन हिसाब किताब में आसानी होगी। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है कि पुले सिरात के दोनों सिरों में से एक इमानत का है और दूसरा सिला रहम का, बस जिस शख्स ने लोगों की अमानत में खयानत ना की होगी और अजीज़ों के साथ नेकी की होगी वो सिरात से बआसानी गुजर कर बहिश्त में दाखिल होगा, और जिसने अमानत में खयानत की और अजीज़ों के लिए बुराई की होगी उसे दूसरा कोई अमल फ़ायदा ना बख्शेगा और पुले सिरात उसको जहन्नुम में फेंक देगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है कि किसी अमल का अजर इतनी जल्दी नहीं मिलता कि जितना कि अजीज़ों के साथ नेकी करने का। एक और रिवायत में मनकूल है कि तीन बातें ऐसी हैं कि उनका मुर्तकिब मरने से पहले उनका अजाब भुगत लेता है। नंबर एक जुल्म, नंबर दो कता रहमी और नंबर तीन झूठी कसम। और अक्सर ऐसा होता है कि बद किरदार लोगों को भी माल और औलाद में सिर्फ सिला रहमी की वजह से बहुत फ़ायदा होता है, और झूठी कसम खाने से या कता रहमी करने से घर के घर बेचराग और नस्लें ख़त्म कर दी जाती हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है कि जो शख्स अपने अजीज़ों से मिलने के लिए या उनको कुछ माल पहुंचाने के लिए अपने पाँव पर चल कर जाता है, खुदा ताला 100 शहीदों का सवाब उसे अता फरमाता है, और जितने कदम वो उठाता है हर कदम पर 40-40 दर्जे बहिश्त में उसके बुलंद कर दिए जाते हैं, और वो ऐसा समझा जाता है कि 100 बरस तक उसने खुदा की इबादत खलूस के साथ की हो। दूसरी हदीस में फरमाया कि तीन किस्म के आदमी हरगिज़ जन्नत में दाखिल ना होंगे, अव्वल वो जिसने शराब पी हो, दूसरे वो जिसने जादू किया हो, तीसरे वो जिसने कता रहम किया हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अजीज़ों के साथ नेकी करता है मैं इस बात का ज़ामिन हूँ कि खुदा उसको दोस्त रखेगा, उसकी रोज़ी फराख करेगा, उसकी उम्र बढ़ाएगा और उसको जन्नत में पहुँचा देगा। तो व्यूअर्स, इन चंद अहदीस को बयान करने का मकसद कि आप अपने अजीज़ों रिश्तेदारों से अच्छे अखलाक से पेश आएँ, उनके साथ अच्छे तरीके से मिलें, उन पर रहम करें, बेशक वो आपके साथ जैसा भी सलूक करें। अल्लाह हम सब को नेक दिल और रहम होने की तौफीक अता फरमाए। जल्द मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।